हम पढ़ रहे हैं अध्याय गोली पुस्त से अपवर्तन। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, और क्या बताया अपवर्तन होता क्या है, दोनों माध्यम क्या होते हैं, किसको सघन कहते हैं, किसको विरल कहते हैं, और क्या बताया मैंने आपको कि पृष्ठ क्या होता है, इसमें मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और कुछ प्रमेय भी मैंने आपको बताए जो इसमें उपयोग में आते हैं। कौन सा प्रमेय? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और बहिष्कोण जो है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, जिन प्रमेयों का हमको इसमें उपयोग करना है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, आज हम पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। पहले चित्र बना ले, ये हमारा एक उत्तल पृष्ठ है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके बाई ओर हवा है और दाई ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। ये मुख्य अक्ष है, तो ये क्या हुआ पृष्ठ का मध्य बिंदु P, जिसको हम कहते हैं ध्रुव APB। A से लेकर B तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसके बाई ओर दूरियां ऋणात्मक होती है और दाई ओर दूरियां धनात्मक होती है। चूंकि ये पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, तो इसका केंद्र किधर होगा, यहां पर होगा, और यदि हम केंद्र से कोई रेखा खींचे, केंद्र से परिधि पर लंब डाले, अगर इसको पूरा करेंगे तो ये गोला बनेगा, गोले का केंद्र हो गया C, ठीक। अब केंद्र से हम क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं परिधि पर, तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंबवत होती है, अर्थात ये जो रेखा है सी एम एन इस पृष्ठ का क्या कहलाएगी, अभिलंब, ठीक है। अब यहां पर एक वस्तु रखी है ओ, एक किरण प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है, मैंने बताया एक किरण प्रकाश केंद्र से होकर गई तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, क्योंकि जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो बिना सॉरी प्रकाश केंद्र नहीं ध्रुव कहेंगे, जो ध्रुव से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण देखिए बिंदु एम पर आपतित हो रही है, इधर वायु है, इधर माध्यम है म्यू अपवर्तनांक का, तो क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहां पर क्या होगा अपवर्तन। वायु विरल, ये म्यू माध्यम सघन, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये प्रकाश किरण ये अभिलंब है तो इस ओर झुक गई। यहां पर इसका बना प्रतिबिंब आई, क्योंकि पहली किरण ये रही, ये दूसरी किरण, दोगुनों किरण यहाँ पे मिली तो हमारा प्रतिबिंब बना आई। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, और प्रदर्शित करते हैं आई से। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, और प्रदर्शित करते हैं आर से। ये चीजें हो गई। अब हम मान लेते हैं ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, और इस कोण को मान लेते हैं बीटा। एक बार फिर से चित्र के बारे में समझा दूं, देख लीजिए ए पी बी एक उत्तल पृष्ठ है, इसके बाई ओर है वायु, दाई ओर है म्यू अपवर्तनांक का माध्यम, सी एम एन इस पर अभिलंब है, एक वस्तु रखी है ओ,
जिससे प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणें होना चाहिए, एक किरण सीधी गई विचलित नहीं हुई, दूसरी गई CM जो MI दिशा में मुड़ गई। क्यों? क्योंकि वो विरल से सघन में गई। दोनों किरणें यहां पर मिली I पर, तो O का प्रतिबिंब क्या बनेगा? I। हमारा आपतन कोण कितना है लिख लेते हैं, कोण OM, N बराबर आपतन कोण I, कोण CMI बराबर अपवर्तन कोण R, और हमने क्या क्या माना है, कोण POM को हमने मान लिया है अल्फा, कोण PCM को हमने मान लिया है थीटा, कोण PIM को हमने मान लिया है बीटा, ये हमने माना तीनों चीजें को, ठीक। अब क्या होता है, अपवर्तन का द्वितीय नियम। अपवर्तन के मैंने आपको दो नियम बताए थे, पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं, दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है, इस अनुपात को ही हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि आई व आर का मान बहुत कम, मान कैसा हो, बहुत कम, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन जीरो बराबर जीरो होता है। यहां पर जीरो क्या है, कोण, और ये है क्या है, साइन जीरो का मान। मतलब यदि कोण का मान बहुत ही कम हो तो उसका साइन लेने पर भी उसी की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आई का मान बहुत कम है तो उसका साइन लेने पर भी मान कितना आएगा आई, और आर का मान बहुत कम है तो उसका साइन लेने पर भी मान कितना आएगा आर। ये दोनों मानों को हम समीकरण एक में रख देते हैं, तो म्यू बराबर आ गया हमारा आई अपॉन आर, इसका तिर्यक गुणा कर दे तो आई बराबर आ गया म्यू आर। समीकरण दो, आई बराबर म्यू आर। अब देखिए आई क्या है, आई जो है ओ एम सी, एक त्रिभुज बन रहा है ओ एम सी, त्रिभुज ओ एम सी में ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में आई बाहर स्थित है तो वो कहलाएगा बहिष्कोण, और सुदूर कोण कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस थीटा। तो बहिष्कोण का प्रमेय क्या बोलता है, बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण पास का है दूर के कोण से, अल्फा और थीटा, मतलब इस प्रमेय से आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। समीकरण तीन, एक और त्रिभुज है इसमें देखते हैं कौन कौन सा, सी आई एम, एक और त्रिभुज बन रहा है सी आई एम, इस त्रिभुज में बहिष्कोण कितना है, थीटा। इस त्रिभुज को देखिए, बहिष्कोण क्या है, थीटा, दूर के अंतः कोण कौन से, आर और बीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, आर प्लस बीटा, या इसको मैं पक्षांतर कर दूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। समीकरण चार, समीकरण तीन से हमको आई का मान मिला, चार से किसका मान मिला, आर का, तो आई और आर का मान हम किस में रख सकते हैं, समीकरण दो में, चलिए रख देते हैं। आई का मान कितना है हमारे पास, थीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू, आर का मान कितना है हमारे पास, थीटा माइनस बीटा।
समीकरण 5 अब देखिए हम एक और सूत्र जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या यहां लिख दो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये थीटा कोण कहां पे बन रहा है यहां पे चाप कितना है PM त्रिज्या कितनी है PC तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा PM बटे PC दूसरा कोण अल्फा यहां पे चाप कितना है PM त्रिज्या और त्रिज्या कितनी है PO अल्फा बराबर PM अपॉन PO तीसरा कोण क्या बन रहा है बीटा बीटा के लिए PM चाप है त्रिज्या क्या है PI इन तीनों मानों को हम किस में रख देंगे समीकरण 5 में चलिए मान को रख देते हैं थीटा का मान रख देते हैं PM अपॉन PC प्लस अल्फा का मान कितना निकला PM अपॉन PO बराबर म्यू थीटा का मान कितना निकल रहा है PM अपॉन PC माइनस बीटा का मान कितना निकला PM अपॉन PI पूरा मान रख दिया अब इसके दाएं पक्ष बाएं पक्ष दोनों में PM दोनों में है यदि PM को हम उभयनिष्ठ निकाल दे अंदर में क्या बचेगा 1 बटे PC धन 1 बटे PO बराबर म्यू 1 बटे PC ऋण 1 बटे PI ये हो गया हमारा समीकरण 6 इसमें से हमने क्या उभयनिष्ठ निकाला है PM 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 कट गया तो क्या आया हमारे पास बराबर म्यू 1 बटे PC ऋण 1 बटे PI अब ये सब क्या है देखिए PC क्या है PI क्या है PO क्या है क्या है PC वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी मतलब क्या हुई वक्रता त्रिज्या और चूंकि पृष्ठ के दाई ओर है तो कैसी होगी धनात्मक मतलब PC बराबर क्या हो जाएगा प्लस R अब PO PO क्या है वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं और किस ओर है इस ओर है इसलिए क्या हो जाएगी ऋण U PI क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और किस ओर है दाई ओर तो धनात्मक होगी और दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम V से इन तीनों मानों को हम इसमें रख देंगे 1 बटे R धन 1 बटे ऋण U बराबर म्यू 1 बटे R ऋण 1 बटे V म्यू का गुणा कर दे म्यू अपॉन R माइनस म्यू अपॉन V अब हम करेंगे पक्षांतर पक्षांतर का नियम आप लोग सब जानते हैं क्या होता है धन का ऋण हो जाता है ऋण का धन तो यदि हम म्यू अपॉन V को इस पक्ष में ले जाए ये ऋण है तो क्या हो जाएगा धन और 1 बटे R को इस पक्ष में ले जाएंगे धन है तो क्या हो जाएगा ऋण चलिए करते हैं म्यू अपॉन V को यहां लाए तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन V धन ऋण 1 बटे U बराबर म्यू अपॉन R ऋण 1 बटे R या म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R
यही है अपवर्तन सूत्र किसके लिए? उत्तल पृष्ठ के लिए। इस सूत्र में म्यू क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। वी क्या है? वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। हमने निकाला था अवतल पृष्ठ के लिए, वो भी यही आया था, यानी कि अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो सबके लिए अपवर्तन सूत्र समान होता है। अब हम एकांकिक प्रश्न हल करेंगे। क्या प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न है कांच जिसका अपवर्तनांक है 1.5 के गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बीस सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। म्यू क्या है? 1.5। और क्या दिया गया है? वायु में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है। वायु में 100 वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न जब हल करते हैं तो जो जो चीजें दी गई है उसको लिखते हैं हम। क्या क्या दिया गया है देखिए। म्यू 1.5 और वस्तु की दूरी दी गई है। वस्तु की दूरी, वस्तु तो हमेशा पृष्ठ के सामने ही होगी, मतलब क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो यू का मान कितना दिया गया है? -100 सेंटीमीटर। और क्या दी गई है? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये धन है कि ऋण किस बात पर निर्भर करेगा? कि हमारा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है कि अवतल है। उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, अवतल के लिए ऋणात्मक। तो हम दोनों स्थितियों में अध्ययन करेंगे और हमको ज्ञात क्या करना है? वी का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या है हमारे पास? -1/r बराबर -1/u। इस सूत्र का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि पृष्ठ हमारा उत्तल है, ठीक। उत्तल पृष्ठ के लिए उत्तल पृष्ठ के लिए यू हमारा कितना है? 100 है। आर चूंकि उत्तल पृष्ठ के लिए है और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है धनात्मक, तो ये भी रहेगा 20 सेंटीमीटर। और म्यू तो हमारा कितना है? 1.5। चलिए सूत्र में मान रख देते हैं। 1.5 × 1 बराबर 20 बराबर 1.5/v √1/u का मान क्या है? -100। सब का मान रख दिया हमने। म्यू का मान रखा, आर का मान रखा, म्यू का मान रखा, वी हमको मालूम नहीं है, और यू का मान रखा -100। 1.5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5/20 बराबर
1.5 बटे वी, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 1/100। अब हमको v ज्ञात करना है तो 100 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 100 चूंकि इधर धनात्मक था तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक बटे 20, ऋण 1/100 बराबर 1.5 बटे v। अब देखिए दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम 100, 20 से देंगे 20 × 5 = 100, 5 का इससे गुना करेंगे तो 5 × 25, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, 2.5 ऋण 1 बराबर 1.5 बटे v। 2.5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बटे 100 बराबर 1.5 बटे v। 1.5 घट गया, क्या बचा, 1/100 बराबर 1/v या v बराबर 100। दोनों को उल्टा कर देंगे तो v का मान कितना निकला, 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाला क्या, प्रतिबिंब की स्थिति कब, जब क्या हो, उत्तल पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे यदि पृष्ठ अवतल हो तब क्या निकलता है। अवतल पृष्ठ U तो दर्पण के सामने रहता है इसलिए इसके लिए भी कितना होगा, 100 होगा, चाहे उत्तल हो या अवतल। म्यू का मान भी 1.5 होगा, लेकिन अवतल पृष्ठ ऐसे होता है इसका वक्रता केंद्र किधर होता है, इधर होता है इस साइड, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक। फिर से वही सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र क्या है हमारा, μ-1/r बराबर μ/v -1/u। म्यू का मान रख दीजिए 1.5 ऋण 1 बटे ऋण 20 बराबर 1.5 बटे v ऋण 1/100। ये कितना हो जाएगा, 1.5 में 1 घटेगा तो बचेगा 0.5 बटे ऋण 20, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 1.5 बटे v धन 1/100। ऋण 0.5 बटे 20, 100 को इधर पक्षांतर कर दिए तो ऋण 1/100 बराबर 1.5 बटे v। दोनों का लघुत्तम क्या निकलेगा, 100, दोनों का लघुत्तम क्या निकला, 100 निकला, 20 × 5 = 100, 5 × 25 ऋण 2.5 ऋण 1 बराबर 1.5 बटे v। ऋण 2.5 और ऋण 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, ऋण 3.5 बटे 100 बराबर 1.5 बटे v। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, v को इधर ले आते हैं, अब बाकी सारी राशियों को उधर, v भाग में था इधर आके क्या हो जाएगा, v बराबर 1.5 × 100 / 3.5। 3.5 इधर ऊपर था, उधर जाके क्या चले जाएगा, भाग में, v भाग में था तो ऊपर आ गया, 100 किधर चले गया, इधर चला गया, ठीक है। एक इसका 1.5 हटा लिए, इसका भी 0.5 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15/35 × 100, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह रहेगा, 5 × 15 = 5×5 = 35 बराबर ऋण 3 × 100 300/7 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया v का मान, ठीक है। तो
तो ये हमने आंकिक प्रश्न के माध्यम से क्या देखा कि वस्तु की स्थिति ज्ञात की जब हमको क्या क्या दिया गया था, यू दिया गया था, आर दिया गया था और म्यू। चूंकि हमको स्पष्ट नहीं था कि पृष्ठ गोली लिखा है, अवतल है कि उत्तल, इसलिए हमने दोनों स्थितियों में, जब उत्तल हो तो भी, जब अवतल हो तो भी, क्या निकाला, वी का मान निकाला। पहले बार में निकला, अभी दूसरे बार में वी का मान कितना निकला, -300/7 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको भाग दे करके दशमलव में भी निकाल सकते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे गोली पृष्ठों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, कैमरे में भी क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। हमारी आंखें क्या है, एक लेंस की तरह ही कार्य करती। तो लेंस होता क्या है, परिभाषा इसकी देखें। अभी तक हम एक पृष्ठ पढ़ रहे थे, या तो उत्तल है या तो अवतल। अब जो लेंस है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसकी परिभाषा ये है, दो पृष्ठों से मिलकर बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोली होगा और दूसरा पृष्ठ गोली भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। दो पृष्ठों से मिलकर बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ तो गोली है पर दूसरा पृष्ठ गोली भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं लेंस। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं लेंस के, उत्तल लेंस मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, उभरा हुआ। दोनों पृष्ठ यदि उभरे हुए हैं उस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। इसके फिर से तीन प्रकार होते हैं, इस लेंस में दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल। इसके दूसरे प्रकार में एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा कैसा होगा, उत्तल। उधर से आप देखेंगे तो ऐसा देखने से अवतल है लग रहा है, लेकिन इस पृष्ठ को इधर से देखिए, इस पृष्ठ को इधर से देखिए, पहला समतल है लेकिन दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। तीसरा, पहला अवतल है और दूसरा क्या है, उत्तल। इधर से देखेंगे तो पहला अवतल है और उधर से देखेंगे तो दूसरा क्या है, उत्तल। इस प्रकार से उत्तल लेंस के तीन प्रकार, दोनों उत्तल हो, एक समतल उत्तल, एक अवतल उत्तल। इसका दूसरा प्रकार होता है अवतल लेंस। इसके भी तीन प्रकार, अवतल मतलब दबा हुआ, ये दोनों पृष्ठ दबे हुए हैं तो ये कैसा है, अवतल लेंस। इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल है, एक समतल दूसरा अवतल, पहला उत्तल दूसरा अवतल। इस प्रकार से कुल लेंस के कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार। और मुख्यतः देखा जाए तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल, और उत्तल के अंदर 3 प्रकार, अवतल के 3 प्रकार। ये तो हमने जाना लेंस होता क्या है। अब लेंस में क्या क्या होती है परिभाषा है, उसके संबंध में उसको देखते हैं हम, क्या क्या होता है। पहला, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है मुख्य अक्ष। हमारे पास लेंस उत्तल हो या फिर अवतल, कितने गोली पृष्ठों से बना है, 2। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा C2 और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा C1, इसका इधर होगा C1, इसका इधर होगा C2। तो एक लेंस के अवतल पृष्ठ में एक वक्रता केंद्र होता है, लेंस में 2 पृष्ठ इसलिए 2 वक्रता केंद्र। तो
दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं? दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब प्रकाश केंद्र क्या होता है? प्रकाश केंद्र जो है ये आपका कहलाता है प्रकाश केंद्र। लेंस का वह बिंदु जिससे होकर के गुजरने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण और निर्गत किरण क्या हो जाती है? परस्पर समानांतर हो जाती है। समानांतर मतलब आप जानते हैं ऐसी किरणें जिनके में अंतर कैसा हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर किरणें बोलते हैं। तो यदि प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरे किरण तो आपतित किरण और निर्गत किरण कैसी होगी? परस्पर समानांतर होगी। दूसरी चीज, यदि लेंस पतला है तो हम ये मानते हैं कि जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, एक दोनों परिभाषाएं हो सकती है, एक तो आपतित किरण क्या होगी? निर्गत किरण के समानांतर। दूसरा, लेंस पतला होने पर जो किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। और प्रकाश केंद्र की वही स्थिति होती है जो ध्रुव की होती है। सारी दूरियां हम प्रकाश केंद्र से नापते हैं लेंस में, इसके बाई ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक और दाई ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। और प्रकाश केंद्र की वही स्थिति होती है जो कि एक स्केल में शून्य की होती है। सारी दूरियां हम इसी से नापते हैं। फोकस, फोकस क्या होता है? फोकस शब्द से आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फोकस शब्द है ना। क्या होता है फोकस शब्द? हमारा आपको पढ़ाई के संबंध में कई बार बोला जाता है कि ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। मतलब फोकस का हिंदी में अर्थ है केंद्रित करना, है ना। शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाए तो फोकस मतलब केंद्रित करना किसी एक बिंदु पर। तो फोकस क्या होता है हमारा? फोकस दो होते हैं इसमें, प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है उत्तल लेंस में? जिस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। जिस बिंदु से होकर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। किसके लिए था ये? उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाई ओर होता है तो अवतल लेंस का दाई ओर होता है। एक प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, तो ये फोकस से होकर आ रही है क्या? नहीं, आप फोकस की दिशा में आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है और लेंस से निकलने के बाद क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है।
उत्तल लेंस में आती है और इसमें आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? यदि किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो लेंस से निकलने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, पहले में क्या देखा, जिस बिंदु से होकर आती है तो समानांतर हो जाती, प्रथम मुख्य फोकस। और जब समानांतर आपतित होती है और आपतन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसको उत्तल लेंस में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है। अवतल लेंस के लिए क्या होगा? किरणें आपतित हो रही है कैसी, समानांतर, ये निर्गत हो गई, पर इनको पीछे बढ़ाए तो कहां से होकर आती हुई प्रतीत होगी, इस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होगी, तो ये कहलाएगा अवतल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बाई ओर होता है, द्वितीय दाई ओर, तो अवतल लेंस का प्रथम दाई ओर, द्वितीय बाई ओर। ये हमने पढ़ा फोकस। अब फोकस दूरी अगर इसमें जोड़ ले, मैंने आपको बताया है सारी दूरियां हम कहां से नापते हैं, केंद्र से होकर नापते हैं, तो केंद्र से होकर द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी और केंद्र से होकर प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रतिबिंब रचना के नियम। अभी तक भी आप चित्र में देख रहे हैं कि कोई प्रकाश किरण आ रही है तो फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर आ रही है, इधर जा रही है, तो ये जो हो रहा है अपने मन से नहीं कर रहा, एक नियम के तहत हो रहा है। उन नियमों के बारे में बताऊंगी। तीन बेसिक नियम होते हैं प्रतिबिंब रचना के। हमको प्रतिबिंब बनने के लिए मैंने बताया संख्या किरणें असंख्य होती है, लेकिन असंख्य किरणों को हम यहाँ पर नहीं दर्शा सकते, हमको दर्शाना केवल दो किरणें हैं। तो प्रतिबिंब रचना के तीन नियमों से जब भी दो नियमों का पालन कराएंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रथम नियम प्रतिबिंब रचना का ये कहता है, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वो लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या है पहला नियम? जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होगी, ये हमारा है उत्तल लेंस, ये है इसका फोकस। तो फोकस से होकर यदि लेंस में किरण आपतित हुई तो वो लेंस से निकलने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी।
अभी आपने फोकस की परिभाषा में भी देखा कि इससे होकर जो किरण निकलती है वो क्या होती है, मुख्य के समानांतर। और ये नियम ही है कि फोकस से होकर यदि हम किरणों को आपतित करें तो वो लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये है प्रतिबिंब रचना का पहला नियम। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर आपतित होती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। प्रकाश केंद्र से होकर जो आपतित होती है वो विचलित नहीं होती, सीधे निकल जाती। यदि उत्तल लेंस है हमारा तो ये किरण निकल गई, आने वाली या जाने वाली। यदि अवतल है तो ये आपतित और ये निर्गत। ये है प्रतिबिंब रचना का द्वितीय नियम। तृतीय नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी वो लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रथम नियम, तृतीय नियम जो है प्रथम नियम का ठीक विपरीत है। क्या है प्रथम नियम, क्या बोलता है? यदि फोकस से होकर आपतित हुई तो समानांतर हो जाएगी। और तृतीय नियम बोलता है यदि वो समानांतर है मुख्य अक्ष के तो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये अवतल लेंस के लिए, ये हमारा फोकस। तो ये मुख्य तीन नियम है प्रकाश प्रतिबिंब रचना के। पहला नियम, यदि फोकस से होकर आपतित हुई तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, प्रकाश केंद्र से गई तो बिना विचलन के निकलेगी, और तीसरा नियम यदि समानांतर है तो क्या होगी? प्रतिबिंब से समानांतर है तो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, इन तीन नियमों का आपको ध्यान रखना है। हमको दो प्रकाश किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो इन तीन नियमों में से कोई भी दो नियमों का पालन करा करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। लेंस निकलने के बाद जहां पे ये किरणें मिलेगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा।
तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। पिछली कक्षा में अवतल पृष्ठ से देखा था, तो हमको क्या पता चला? जो अपवर्तन सूत्र है म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये दोनों पृष्ठों के लिए समान होता है। उसके बाद हमने जाना लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? दो गोली पृष्ठों से होकर बनता है, जिसमें एक पृष्ठ गोली होता है, दूसरा समतल होता है। और लेंस के प्रकार देखे हमने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और क्या देखा? हमने कुछ परिभाषाएं देखी जिसका हमको उपयोग करना है। मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं? प्रकाश केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? और हमने जाना प्रतिबिंब रचना के नियम कि किन नियमों के तहत किरण को हम प्रतिबिंब किस नियमों के तहत बनेगा। हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।